वे हारी हम है रामण बिहारी के ठाकुर हमारी यमुना मैया हम हैं यमुना मैया के सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे के सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रामण बिहारी हम हो चुके यमुना मैया के हम हो चुके सद्गुरु प्यारे रमण बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्व संत हरि भक्तन की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे। नारायण 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 नारायण। भगवान श्री रघुनाथ रामचंद्र जी माता सीता के साथ चित्रकूट वास कर रहे हैं और वहां माता सीता का मन हुआ रघुनाथ से कहा आपके लिए प्रसिद्धि है कि आप दो बार शर संधान नहीं करते, एक बार आपने
सरसंधान कर दिया तो वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त होता है, ये प्रसिद्धि। तो रघुनाथ जी धीरे से सिर झुका करके अपनी प्रशंसा को कोई जल्दी स्वीकार थोड़ा करता। शिष्ट व्यक्ति, तुम हमको भी सिखा दो ना धनुष बाण चलाना। हाँ वाह अवश्य, जिसको कोई कला आती हो और अगर कोई उचित अधिकारी सीखना चाहे तो बहुत प्रेम से सिखा। रघुनाथ ने कहा अच्छा आओ। तो रघुनाथ एक पैर को ऐसे करके एक घुटना ऐसे करके बैठ गए, मिलिट्री में शायद इसको लीलिंग पोजीशन कहते हैं, वो करके वो सीता जी को माता जी को अपनी दोनों बाहुओं के बीच में कर लिया ऐसे। तब मैं करके क्या दिखा और धनुष को सज्ज किया, फिर माता का ऐसे पकड़ो ऐसे थोड़ा इतना उत्तर और ऊपर करो, मैं कह रहा सकता हाँ एक मजबूती से पकड़े रहना अच्छा। और देखो ये जो रस्सी है ना इसके ऊपर इस बाण को ऐसे रखो, इस रस्सी का पूरा इसके आधार पर आ जाए। अब ऐसे करके उंगली से अंगूठे से इसको ऐसे करके पकड़ो। अब ये देखने में तुमने बड़ा आसान काम है लेकिन अगर करने लग जाओ तो पता चलेगा। और फिर अपना कंधा ऐसे करो, ये वाला कंधा ऐसे करो, उसकी सीध में ऐसे करो, अपने नेत्र को वहां करो। अब सब ऐसे ऐसे करके उनको सिखा रहे थे कि लक्ष्य भेद कैसे किया जाए। तो तीर चलाना तो एक एक मिनट क्या है, कुछ सेकंड का काम है, लक्ष्य भेद तो कुछ सेकंड का काम है, लेकिन आपने देखा उस लक्ष्य भेद की या शर संधान की चेष्टा में कितना प्रयास करना पड़ा। शर संधान के लिए पहले सर संधान कर्ता को अपने आप को व्यवस्थित तैयार करना पड़ता है उस लक्ष्य के भेदन के लिए, अपने आप में स्वरूप योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है और तब उसके अनंतर सर संधान किया जाता है। माय डियर इसी तरह से हमको भगवान की प्राप्ति कह लो, ब्रह्म की प्राप्ति कह लो, स्वरूपावाप्ति कह लो, ये हमारी प्राप्ति का लक्ष्य है। तो पहले तो हमको अपना लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लक्ष्य निर्धारण में दृढ़ता नहीं है, अब हम आपको क्या बताएं। आज एक जने सवेरे हमसे कहते महाराज मैं नर्मदा परिक्रमा कर आऊं। मैंने कहा कर आओ, घूम फिर आओ, मन भटक रहा है भटकाना भटकाया तो समझ ले। मैंने कहा माई डियर तुम साधक हो, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। भिन्न भिन्न लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रियाएं हैं और उसके अनुसार साधनाएं हैं, आप पहले अपना लक्ष्य तो निर्धारित करो।
अब हमारे जो साधक लोग हैं, चाहे गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, बहुत बार ये कमी हो जाती है। किसी ने कहा अरे यार हठ योग सर्वोत्तम है, हठ योग में लग गए। हमारे हैं आस पास, मैं बता रहा हूं, अरे संगीत से भगवान की प्राप्ति होती है, क्या बात कर रहे हो, बिना विद्या के कहीं कुछ होता है? शुरू कर दिया, अब दृढ़ता नहीं है। हमारे यहां कुछ लोग तो हो, लघुकौमुदी हमारा एक बेसिक ग्रंथ है, प्रारंभिक ग्रंथ है, उसके 14 सूत्र में ही जय श्री कृष्ण हो जाते हैं। बड़े टेढ़े मेढ़े से हैं बोलने में, तो उसी में कई लोग तो जय श्री कृष्ण, अब अयन रेल रेक ये इसी में अटक जाते। कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र है, उसकी वृत्ति बहुत बड़ी है। तो कुछ लोग तो वही शुरू की 4-6 पंक्ति में विरक्त हो जाते हैं, कुछ पाफा तक पहुंचते वहां विरक्त हो जाते हैं, और जिन्होंने ये कर लिया वो प्रायः संज्ञा प्रकरण तो पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन जब सुच्युपास्य गले पे पड़ता है तो कुछ लोगों को वहां से वैराग्य हो जाता है। तो इस तरह अगर वैराग्य आया तो जब लघुकौमुदी ही नहीं आई तो शास्त्र में प्रवेश कहां से हो? लोग अरे पढ़ा लिखना पंडित काम भजले साधु सीताराम, यहां पत्थर पर सुना देंगे, ये विवेक नहीं है, ये कुतार्थ है। जो हमको चाहिए उसके अनुकूल, जैसे वकील को इससे कोई तात्पर्य नहीं कि किसकी गलती, बस अपने मुवक्किल की बात को सिद्ध करने की चेष्टा करें। बीरबल की तरह के मापदौलत, मैं कमबख्त बैगन का गुलाम थोड़ा हूं, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं। आपको बैगन अच्छा लगता है तो बहुगुण है, और नहीं अच्छा लगता तो बेगुण है। तो ढाई आखर प्रेम का जरूर बिल्कुल सत्य है। एक बड़े अच्छे महापुरुष थे, उन्होंने हमको मार्ग निर्देश किया था। मैंने जैसे बताया पढ़ने लिखने में अरे बड़ा संयम होता है और न जाने क्या क्या सहना कर पड़ता है, जब हमको तो भगवान की दया से उतना सहना नहीं पड़ा, इन लोगों से पूछो बताएंगे कि विद्या पढ़ने में क्या क्या सहना पड़ता है। तो हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था पहले से, कुछ जिनका यह शरीर पैदा हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा दिया था। हमने कहा तपस्या करेंगे, गंगोत्री जाएंगे, गए। तो हमको एक जो अनुभवी महात्मा थे उन्होंने बताया कि भैया तुम, उन्होंने कहा मैं वैसा हूं तो नहीं, कि तुम इंटेलिजेंट ब्रेन हो, तुम्हारे मन में शंकाएं आई, गंगोत्री की गुफा में बैठे हो, अब तुम्हारे मन में कोई शंका उद्भूत हो गई, अब उसका समाधान तो नहीं ढूंढ पाओगे, तो फिर अब तुमको जब तक वो शंका का समाधान नहीं होगा तुम्हारी समाधि लगेगी ही नहीं, समाधान नहीं होगा समाधि क्या खाक लगेगी। तो हमसे उन्होंने कहा फिर तुम दूसरों से पूछने आओ। तो वो फिर दूसरे जो अगर अनुभवी महापुरुष हैं तो शास्त्र के माध्यम से आप कुछ बताने की चेष्टा करेंगे। अब उस शास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक है शास्त्र की भाषा को समझो, शास्त्र की भाषा को समझने के लिए आवश्यक है और सब चीजों के अतिरिक्त उस भाषा के व्याकरण से परिचित, तभी तो अर्थ का
अर्थ ही रहेगा, अनर्थ नहीं हो पाएगा। स्वजनों स्वजनों मा भूत, अब ये विद्वान हो जाते हैं। जरा से एक स्वर के विघात से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो बस फिर सीधे तुमको लघुओं भी पढ़नी पड़ेगी आगे। तो इससे अच्छा है कि तुम लघुकौमुदी पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, और फिर जाके गंगोत्री में जाके समाधि समाहित हो जाओ, तो वहां तुम्हारे विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय, तब समाधि तुम्हारी लगेगी। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़ने के लिए भी माई देर बहुत तैयारी चाहिए। उपनिषद ने कहा है ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, उस लक्ष्य की प्राप्ति करो। उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे, वहां तक जाने के लिए तैयारी करनी है। वो तैयारी कैसे होगी, कुछ जो चीज तुम्हारे पास है उनको तैयार करना पड़ेगा, जो चीज तुम व्यवस्थित कर सकते हो उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब इस तरह अरे जरा सी रेल यात्रा करते हैं तो पहले क्या क्या सब नाटक करते हैं हम लोग जानते हैं, तो उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। जब उस तरह की तैयारी हो जाएगी तब फिर उस ओर गति। तो इसके लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी अपने आपको तैयार करो। योग माने उस लक्ष्य के साथ युक्त होने की चेष्टा करो, युक्त हो जाओ, उनसे जुड़ जाओ, अभेदानुभव कर लो, शरणागत जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो। तो यहां योगी का मतलब गीता शास्त्र में कुंभक करने वाला या नेवली क्रिया करने वाला या उल्टी करने वाला या शंख प्रक्षालन करने वाला, इससे तात्पर्य नहीं है। ये तो छोटे सामान्य अंग होते हैं। योग करने का मतलब है उनसे जुड़ने की चेष्टा। तो उस जुड़ने की चेष्टा को कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, और ये सबके लिए है। जैसे हमारे शास्त्रों में कुछ कर्तव्य ब्राह्मण के लिए लिखे, कुछ क्षत्रिय के लिखे लिए, कुछ वैश्यों के लिए, कुछ औरों के लिए लिखे हैं। ब्राह्मणों में भी जो यज्ञ करता है अलग है, अध्यापक हैं उसके लिए अलग है। यज्ञ में भी कोई ही मंत्र उच्चारण करता है, कोई आहुति देता है, कोई उद्गान करता है, इन सबके अलग अलग कर्तव्य है, उन सबका आदेश है, उनकी तैयारी अलग है। लेकिन गीता एकदम जनरलाइज सबके, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, सबके लिए एक तरह का उपदेश। ये गीता की महिमा है। तो भगवती गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। तुम्हारे दुख की हानि हो और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो, इसके लिए जो योग करना है उसके लिए युक्ति का आहार चाहिए। हम कैसे क्या खाएं, केवल आहार माने भोजन ही नहीं, मुंह से आंखों से भी आहार होता है, कानों से भी आहार। कैसे सोना है, कैसे जगना है, बहुत सोगे बहुत जागोगे, ये सब तो ये सबका सब युक्त होना चाहिए। अति सर्वत्र भर जाए तो युक्ताहार होए, युक्त विहार होए, हमारी चेष्टा भी युक्त होए। हम किस तरह की, जिस तरह की हमारी सामर्थ्य हो, हमारे अदृष्ट के अनुसार जिस तरह का हमारा शरीर हो,
और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम कहां स्थित हैं। हमारी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी जहां हम स्थित। बद्रीनाथ जी जाना है तो हरिद्वार में जो बैठे हैं उनकी यात्रा वहां से शुरू होगी, जो दिल्ली में बैठे हैं उनकी यात्रा वहां से शुरू होगी, जो दक्षिण भारत में बैठे हैं उनकी वहां से शुरू होगी, जो विदेश में बैठे उनकी यात्रा वहां से शुरू होगी। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, तुम्हारा सोना उठना ये सबका सत युक्त हो, इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जानने की चेष्टा करेंगे। लेकिन एक चीज हम सबको ध्यान कर लेनी चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए युक्त होना आवश्यक है। युक्त होने की तैयारियों के बारे में गुरुजनों ने, शास्त्रों ने बहुत कुछ बताया है, यथाक्रम उनकी चर्चा करके अपने आप को योग युक्ता के नाम पर हमारे भक्ति वाले तो ऐसा समझ लेते ना कि क्या योग होता है। अरे माय डियर, आई लव यू श्री कृष्ण का कहना भी योग है, जुड़ना है उनके साथ, एकत्व की अनुभूति नहीं कर रहे हो तो कहां से आई लव यू होगा। तो कहीं पर भी अपने इष्ट के साथ जुड़ने का नाम योग है, वो चाहे माला फेर के हो, चाहे ध्यान करके हो, चाहे समाधि करके हो, चाहे सेवा करके हो, चाहे नाच करके हो, चाहे गा करके हो, चाहे रो करके हो, किसी भी तरह से हो, और कभी कभी तो बहुत बेवकूफी करके भी मिल जाते, वो भी योग हो गया अलहैया भगत के पास। तो तात्पर्य है हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करनी है। उस प्राप्ति की चेष्टा में क्या क्या आवश्यक तैयारियां हैं उनको करने के लिए हमको प्रस्तुत रहना चाहिए, परिपूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन, विप्रदेवों और श्री कुमारों का, और आप सब जो बैठे हैं यहाँ और विज्ञान के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, सबके लिए मंगल कामना करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।